मेनू लड्डू बनाएगी तो ना, आधे मेरे आधे तेरे, ठीक है बढ़ाई दे, देख चलाक देख के। खा पी रहा होता कहते अकेले अकेले। पार्टी टाइम तो हो गया टन, अब बारी है घर की तरफ जाने की। सबको गुड आफ्टरनून, क्योंकि 12:10 हो चुके हैं। तो आज की वीडियो की शुरुआत थोड़ी सी लेट हो रही है और हम जा रहे हैं अन्नकूट लेने के लिए। आज हमारे यहाँ पर प्रसाद बनता है दिवाली के बाद, हाँ फिर लेने ही जाते हैं फिर तो सारे। देखो खाने के लिए भी प्रोग्राम होता है, लेकिन एक ही मंदिर है जो वहाँ पे बैठ के खिलाते हैं, बाकी सब ऐसा करते हैं, उनके बर्तन में डालते हैं और अपने ले जाओ खाओ अपने घर पे जाके, सबको खिलाओ प्रसाद, लेकिन लेना उतना जितना आप खास के। तो ऐसा कुछ रूल होता है। आज हम भी जा रहे हैं अन्नकूट लेने के लिए मंदिर में, तो अभी थोड़ी सी लेट भी हो रहे हैं वैसे हम, और संगम भाई की वजह से लेट हुए, उसने कर दी गड़बड़, कह रहा मैं आ रहा हूँ ये वो, फ़ोन नहीं उठाता, उसको पता नहीं होता कहाँ है, कहीं और फोन जाता, फिर कहता यार मैं तो यहाँ आया था। अपने आप में ज़्यादा दिमाग लगाने वाले लोग ऐसे ही घूमते हैं। चलो अपन भैया आया, ये भंडारा चलो भाई भंडारा, अन्नकूट का प्रसाद खाओ। मनु क्या कर रही है, पवन लेगा, मनु जाती नहीं पवन के पास, नहीं पवन के साथ नहीं, पवन के साथ बनती नहीं, रोएगी यूं तो खुश है। मनु छोड़, देखो पापा बना रहे हैं यहाँ पे लड्डू, बेसन के लड्डू बन रहे हैं हमारे घर पे, मनु भी खाएगी लड्डू, क्यों बैठ के तो लेंटर को लगा देता है तो खतरनाक है। छोड़ दे आज, 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 उसके साथ नहीं बनती इसकी, ये भी लड्डू बनाएगी, मनु लड्डू बनाएगी, है मनु, मनु लड्डू बनाएगी। हम आ चुके आप शॉपिंग करने के लिए, तो पवन भाई का जो है कल का भैया दूज है ना, तो पवन भाई का थोड़ा सामान लेना था बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों के लिए थोड़ा सामान ले लेते अच्छा रहता है, चॉकलेट वगैरह ले लेते हैं और कुछ ले लेते हैं कुछ पीने का, अपने लिए चॉकलेटें लेनी मैंने, कहाँ गया वो मेरा, क्या लेना है चॉकलेट, एक तो फ्रूटी फ्राटी देख लें छोटी, ये ले लें क्या कहते हैं जूस, ये शेक ले लें कोई चॉकलेट शेक वगैरह, हाँ ये पेपर वोट अच्छे हैं गवा वावा चिल्ली वाले, बहुत टेस्टी हैं, ले पवन इसमें डाल ले, ये सही है, अभी इसमें कुछ मर्जी डाल ले कोई दिक्कत नहीं है। सामान ले लिए चिप्स चॉकलेट वगैरह, इनका करवा लेते हैं बिल। अब जी मन करता है कि हम भी बच्चे होते कोई हमारे लिए भी लेके आता है, भर भर के चिप्स कोल्ड ड्रिंक्स है पवन। सो हेलो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट ए न्यू डे, तो आप सबका गुड मॉर्निंग। और आज भाई दूज मेरे को जाना काजल के पास घर पे, और बुआ जी आए हुए हैं, अभी लगभग 9 बज रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा लेट भी हूँ क्योंकि आज पानी नहीं आया था सुबह, पता नहीं क्या दिक्कत हो गई थी, पानी नहीं आ रहा था तो नहाने में थोड़ा टाइम लग गया। अब नहा लिया मैं, फ्रेश हो गया बिल्कुल, अब जा रहा हूँ, बस 10 मिनट लगेंगे, 10 मिनट में जाके नाश्ता वहीं करेंगे जाके। लगभग 10 बज चुके हैं और मैं 9 बजे कह रहा था आप लोगों को भी जाना है मुझे, लेकिन इससे टाइम लग गया, कोई बात नहीं, अब जल्दी से बस शूज़ डालते हैं ये वाले शूज़ ही डाल लेता हूँ, इसमें हाथ में लगाना पड़ता तो ईजी रहते हैं डालने में निकालने में, ये डाल के चले जाएंगे बढ़िया रहेगा। वही दीवानशी लेके आई बंदूक, दिखाइए इसकी डालना, इसमें कैसे डलती है, अच्छा इसके अंदर डाल दी, सीख कहाँ है, अच्छा इसमें माचिस की सीख डाल दी, बंद कर देंगे अब फायर हो जाएगी मेरे को। अरे वाह एक से एक का बढ़िया खड़का है, थोड़ा सा धुआं भी है, देवांश की बंदूक है ये, एक ये है देवांश की बंदूक, देवांश चला के दिखा है इसमें, अच्छा इसमें रोल डलेगा, ये भी बढ़िया है, ये रोल डलते हैं इसमें, तेरे आधे पटाखे लेके जाऊंगा आज मैं, जितने बच्चे हैं ना आधे मेरे आधे तेरे, ठीक है खत्म हो जाइए, खत्म नहीं होने के, आधे दे के जाऊंगा, आधे अपने बचा के रख लियो, आधे मैं ले जाऊंगा, ठीक है एक लेके आता हूं आपको, लोडिंग हां आ गया, अब चलानी, ये भी बढ़िया चीज है, ये बढ़िया है, ए देवांशी कल मैंने उसको मारे थे, अब अपने पास है बंदूक कोई भी बोलेगा नहीं, नहीं तो फायर कर देंगे,
अच्छा अच्छी चीज है भाई, कलरफुल सी है। क्या बना रहे हो? अरे इस बंदूक की बना रहा हूँ ना, ये अच्छी लग रही है इसलिए। आ जा ले पकड़। देवांशी की फ्रॉक देखो, एक करूंगा उस तरह से। मेरी बंदूक बढ़िया है भाई, लंबी भी है और कलरफुल भी है ना। मैंने इसको बोल दिया कि मैं तेरी चक्री ले लूंगा हाफ, अपनी चक्री फुल जड़ी उठा के ले आया, चटर पटर भी आधी तो दे देगा ना मुझे। क्या? ये जितने पटाखे बचे आधे मेरे आधे आपके, ले लेके जा, मैं ऊपर ही आऊंगा फिर इकट्ठे देखेंगे हम, ठीक है? अभी देखेंगे दो मिनट बाद। ओ गिरा दिया, खाले ले फुल जड़ी भी रख, आ रहा हूँ मैं दो मिनट में, ठीक है? पटाके देख के आएंगे देवांशी के। चलो चलो चलो, कहाँ रख रखे हैं? रूम में रख रखे हैं। अरे ये तो एक एक करके दे रहे हो आप, सारे दिखाओ कितने बचे पड़े हैं आपके पास। और बहुत सारे बचे पड़े हैं आपके पास तो अभी भी। ये देखो। हाँ। देखो, देखो। अरे इसमें भी हैं, बस ये है, बस ये है, ये तो बहुत सारे हैं। कितने मेरे हैं इनमें से तो बता दो है? मुर्गी बम कितने मेरे हैं? आप बोले तीन दे देंगे। कितने? तीन। बस तीन? हाँ। इतने सारे में से बस तीन? चार। इतने सारे में तो दस तो दे दो। एक अनार पड़ा आपके पास, फ्यूल भी पड़े हैं। अब छतरी कहाँ पे आपकी? छतरी ये फ्यूल ब्लूनी क्या? ये ले लो। अच्छी ये वाली ब्लू वाली, कैसे नहीं ब्लू नहीं कर रहा था, ब्लू नहीं कह रहा था वो। चलो ब्लू भी होगी, दो आ गई मेरे पास, दो आ गई। ये लो एक। अरे मैंने रेड दे दी थी। रेड आ गई मेरे पास, ये लो। ये क्या है? चटर पटर है, ठीक ही बच रहा है। ये लो मुर्गी बम, ये बड़े वाला अनार दे दो ना मेरे को, छोटे वाला। ये लो ये बच्चे अपने आप। नहीं खतरनाक नहीं है, मेरे को बड़ा ही दे, देख चलाक देख, कह रही है वाला छोटे वाला ज्यादा खतरनाक है, बहुत चलाक है भाई। अरे मेरे हाथ पे आने के नहीं, मेरे हाथ पे आएंगे नहीं अब। आते आप पकड़ो दो, लेके जाते क्या घर? ऐसा लेके जाऊंगा ना मैं, मेरे बैग में डाल के लेके जाऊंगा ना। और कैसे लेके जाएंगे? इसमें क्या है? इस डब्बी में, इधर वाली में, ये इधर, ये इसमें, ये जो उठाई थी अभी, चिटपिट। अच्छा, वहाँ रख के। हाँ। वहाँ भेजना है ना ये, ठीक है वहाँ भेज देंगे। एक चीज का तो कर दिया मैंने नुकसान, कोई बात नहीं और दिला देंगे। चलो 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 चलो, बस बहुत हो गया अब, है ना? बहुत है ना, ठीक है। नहीं फिर की नहीं, फिर की रात को चलाने अच्छी लगती है, दिन में नहीं, दिन में नहीं, दिन में दिखती नहीं है, रात को चलाएंगे। आज नीचे चलेंगे, चलो आ जाओ, चलो देवांशी। दिन का चला तो लिया हमने, देवांश पूरा बदमाश है। चाचा के घर पे बुआ जी के साथ, और ये पूरा भी यहाँ मिल गया। चाय मेरे लिए आई थी, नमकीन खा रहा है। काय खा रहे हो ये? साथ दे रहा हूँ भाई, साथ दे रहा हूँ, तेरे को अच्छा नहीं लगेगा ना। ठीक है फिर, पेड़े खा तो कह नहीं देते, जब कोई कुछ खा पी रहा होता कहते अकेले फिर चाय में कौन साथ देगा? तू कह नहीं सकता ना तेरे को। अब चाय में दो स्ट्रॉ डाल ले, एक तू पी लिए, मतलब केक भी है, बर्फी भी है, पेड़े भी है, मावे के, नमकीन खाओ फिर, मैं पूरा साथ दूंगा तेरा, टेंशन। ठीक है, एक एक पीस तेरा, एक एक पीस मेरा, साथ ही चाहिए बस। आ चुके हैं अपने घर पे वापस, आते मैंने कपड़े चेंज किए, कपड़े चेंज करके अभी जस्ट अपने पास एक फ़ोन आया, कह रहा आपके कोरियर आया, तो ये कोरियर भी ले लिया मैंने, इसको भी रिसीव करके दिखाते हैं इसके अंदर क्या है। एक्चुअली मुझे एक सामान की ज़रूरत थी, तो मैंने जीजा जी को फ़ोन किया,
वो कह रहे कि मैं कोरियर कर देता हूँ यहाँ से, वहाँ पे ठीक मिल रही थी, यहाँ पे थोड़ी महंगा पड़ रहा था मुझे, तो उन्होंने कर दिया। और अपना दिवाली वाला व्लॉग भी मैं लाइव कर चुका हूँ, तो आप इसको भी जाके लाइव देख लें, ये भी आ चुका है अपना व्लॉग। तो दिवाली का वीडियो मैंने एडिट की रात को 2 बजे तक, फिर टाइम लग गया था उसमें काफ़ी अपलोड करने में, तो आज अपलोड किया था मैंने मॉर्निंग में, लेकिन शूट नहीं किया था। तो अभी करते हैं और इसमें देखते हैं इसमें क्या है। तो यार भाई, एक हार्ड डिस्क 1 टेरा बाइट की मुझे ज़रूरत थी इसकी, क्योंकि मेरे लैपटॉप का स्पेस ख़त्म हो गया था, मेरी दूसरी हार्ड डिस्क भी फुल हो गई थी, और अब फोन भी पूरा फुल हो रहा है। तो एक हार्ड डिस्क मैंने और मंगवा ली है, इसको लगा के देखते हैं अभी लैपटॉप में काम करेगी या नहीं। वैसे तो करेगी ओबियसली, क्योंकि नहीं है तो जिसे बोला तो वहाँ पे और यहाँ पे रेट में बहुत फ़र्क थे। मेरे जीजी का भी हार्डवेयर का काम है, तो उन्होंने बहुत ठीक रेट में मुझे दे दी ला के, और यहाँ पे मैंने बहुत जगह पे पता किया था तो बहुत महंगी मिल रही थी। चलो अब तो हो गया काम अपना, काम हो गया और शाम के बज चुके हैं 7, लगभग 7 बज चुके हैं। तो हम जा रहे हैं शादी के लिए, यानी कि पार्टी के लिए, शादी में हमको जाना है अभी कुरुक्षेत्रा। पापा भी एकदम रेडी हो चुके हैं, थोड़ा सा वीडियो हिल रही है, शायद लाइटिंग के कारण हिल रही होगी, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत चलता है। अभी जा रहे हैं क्योंकि फिर लेट हो जाएंगे, हमको जाना भी, और बाहर पापा के दोस्त आए हुए हैं उनके साथ जाएंगे। पापा तो बोल रहे हैं कि ब्लेजर डाल के चलो, लेकिन ब्लेजर वगैरह कौन डाले यार, मेरे को अजीब से लगता है। अभी तो वैसे इतनी सर्दी भी नहीं है कि ब्लेजर डाले, ठीक है नॉर्मल से ठीक, हम तो ऐसे ही ठीक। गाड़ी भी आ गई, अंकल हमसे पहले खड़े हैं। तो भाई शादी में पहुंच गए लगभग 1 घंटे की ड्राइव के बाद, का भी बना रखा है। देखो भाई बढ़िया फोटो खिंचवाने का बना दिया सिस्टम, अच्छा लग रहा है। पार्टी टाइम तो हो गया डन, अब बारी है घर की तरफ जाने की, क्योंकि रात के लगभग 11 बज चुके हैं और हमें जाना भी है, फिर लेट हो जाते हैं ना यार, फिर दिक्कत होती है पार्टी से। मेरे को पूछ लिया, मेरे को वीडियो भी एडिट करनी थी, अब 11 तो यहीं पे बज गए, देखते हैं। पापा तो अभी आए नहीं, चलो मैं गाड़ी बाहर निकालता हूँ, तब तक आ जाएंगे, फिर यहाँ से जल्दी जल्दी जाएंगे। 1 घंटा जाने में 12 बजेंगे, तो वीडियो भी एडिट करनी है और डालनी भी है। चलो कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी तो मेरे को 3-3, 4-4 बज जाते हैं एडिटिंग करते टाइम, लेकिन अभी घर जाने का टाइम है, फिर सोचेंगे गर्मी है नहीं या सुबह करेंगे। फिर अपने घर पे शादी से, ओ भाई नींद आ रही है, अब तो एडिटिंग वेडिटिंग कल करेंगे भाई साहब, अब मैं कोई एडिटिंग नहीं कर रहा, अब तो मैं सो रहा हूँ बस। तो आप सबको गुड नाइट भाई, सोता हूँ, मेरे को जबरदस्त वाली नींद आई है, हालांकि मैंने कॉफ़ी भी पी थी, लेकिन वो ड्राइव करते करते सब खत्म हो गई।